नमस्कार दोस्तों, मैं चंदू मिस्त्री, मेरे YouTube चैनल में सब भाइयों का स्वागत है। तो दोस्तों मैं लेके आया हूँ एक इन्वर्टर और स्टेबलाइजर जो एसी है अपनी विंडो एसी में लगने वाला। तो दोस्तों मैंने किसी दोस्त के घर पे लगाना है तो उसने ये मेरे को भेजा है वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों उसने मंगाया है और ये इसमें क्या है दोस्तों आगे बताएंगे आपको वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले इसको खोलते हैं और खोलने के बाद में इसमें क्या निकलता है। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट से मंगाया है और उसमें एसी के लिए उनके वोल्टेज कम बेसी हो रहे हैं तो वोल्टेजों के लिए ही इसको मंगाया है। वोल्टेज इसके लगाने के बाद दोस्तों एसी इस टाइप पर चलेगी, कम बेसी वोल्टेज रहेगी, अभी उसके वोल्टेज की शिकायत आ रही है एसी में। तो दोस्तों उसके लिए 2750 रुपये फ्लिपकार्ट से इसको खरीदा है और दोस्तों 5 से 6 दिन में उनके घर पे आ गया था। दोस्तों उन्होंने बोला कि मेरे घर पे लगाना है आपको आके, तो दोस्तों मैं इसको लगाने जाऊँगा और उसने मुझे प्रोग्राम मेरे घर पे ही ले लिया। उन्होंने बोला कि आप इसका वीडियो भी बना लेना और मेरे घर पे लगा भी देना। तो दोस्तों मेरे पास एक वीडियो बन जाएगा और उसको लगा भी देते हैं। तो दोस्तों उसको करते हैं शुरू। तो दोस्तों ये बॉक्स है, इसकी बॉक्स की पैकिंग आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरह से इसकी पैकिंग की हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी पैकिंग बोल दें फिर आपको बताएंगे। दोस्तों किस तरीके से इसकी पैकिंग है, और दोस्तों ये भी है हमको क्या करना है जिससे उसको बात आ लेते हैं। तो दोस्तों ये डीगार्ड का स्टेबलाइजर है, आप देख सकते हो इसके लिखा हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों इस पे डीगार्ड और दोस्तों i4 पावर रेम सही दोस्तों आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये इसका सीरियल नंबर वगैरह है, मैं आपको नजदीक से लिखा दूंगा इसका। तो दोस्तों सबसे पहले इसको खोल के अनबॉक्सिंग करते हैं, इसमें क्या आता है। तो दोस्तों इसको बाहर निकाल देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मेरे को मिला इसमें एक कैटलॉग। दोस्तों कैटलॉग ये आपको हमेशा ही पास में रखना है, इससे ही तुमको गारंटी या वारंटी मिलेगी। ये अपने पास नहीं रहेगा तो इस प्राइस में कोई गारंटी वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगी, बिल हो तो भी गारंटी वगैरह नहीं मिलेगी। ये भी अपन को साथ चाहिए, मेरे साथ में ऐसा हुआ था, ऐसा मैं इसलिए इसको सेफ रखूंगा। तो आपको भी ध्यान रखना है, ये आपको विशेष सेफ रखना है। तो दोस्तों इसको बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों ये बॉक्स है, ये आप देख सकते हो ये बॉक्स है, बॉक्स को पकड़ते हैं दोस्तों साइड में। तो दोस्तों इसमें मेरे को मिला है ये इन्वर्टर, इस तरीके से बेची गई है थर्माकोल में। तो
दोस्तों आप देख सकते हो ये प्लग है और इस प्लग से दोस्तों ये एसी है माइको की। तो दोस्तों ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी 15 या 20 दिन पहले लगाई थी एसी, अभी न्यू है, अभी इसने सेटअप भी किया, अभी पूरा इंस्टॉलेशन नहीं किया, ऐसे जुगाड़ बना के घर में इसका कमरे में लगाया है। तो दोस्तों इस कमरे में ये एसी लगी हुई है। तो दोस्तों अपन इस एसी का इसमें इन्वर्टर कैसे लगता है, स्टेबलाइजर, तो स्टेबलाइजर लगने के लिए ही इन्वर्टर एसी को लगाना है। तो इसमें दोस्तों बताता हूँ कैसे लगेगा, तो दोस्तों मैं लगाता हूँ फिर आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसको यहाँ से काट लेना है। तो दोस्तों आप अभी वापस इसको काम में ले सकते हो, घर से अभी ये नया है, काम में आएगा। तो मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से कट कर दिया, इसमें देखते हैं कौन कौन से कलर के वायर निकलते हैं। तो दोस्तों वही तीनों कलर इसमें मिल गए हैं, तो दोस्तों छीन लेते हैं। तो दोस्तों ये मेरा दोस्त का घर है, इसको लगाने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसको छीनना है। दोस्तों सबसे पहले आपको ये लाल, आपको लाल चुन लेना है जो प्लस में रहता है। तो इसको लाल को दोस्तों सबसे पहले इसमें लगा देना, आपको इसमें लगेगा इसमें। तो दोस्तों इसको खोलने के लिए डब्बी है, इसको आपको खींचोगे तो ये बाहर आ जाएगी। दोस्तों ये पेच कैसे आएगी दोस्तों, इसमें आपको दबाना पड़ेगा, आपको भी लगा देना है। तो दोस्तों ये कलर इसमें लग गया, इसको आपको दोस्तों बिल्कुल टाइट करना है, लूज ना छोड़ना है, लूज छोड़ोगे तो स्पार्किंग करके यहाँ से जल जाएगा। फिर दोस्तों काला कलर है और फिर दोस्तों ये अपना हरा कलर है। तो हरा कलर को दोस्तों इसमें अड़ता ही है, इसको आपको बीच में लगा देना है। ये हरा वाला दोस्तों बीच में इसलिए लगाते हैं, दोनों शॉर्ट होते हैं तो भिड़ेगा नहीं, दोनों शॉर्ट होंगे, कोई कोई शॉर्ट होगा तो बीच में वैसे जमीन में चला जाएगा। तो किसी किसी के घर पे बना हुआ नहीं है, हर के लगभग करीब करीब बना हुआ होता है। तो दोस्तों ये अपना माइनस पर फलस है, ये काला वाला, तो काला वाला इसमें लगा देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये घर पे आप लगा सकते हो, बहुत ईजी है। तो दोस्तों मैंने ये लगा दिया, आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये कंप्लीट इसमें ये वीगार्ड का इन्वर्टर इसमें लग गया है। और दोस्तों इसको यहाँ मेल देंगे, इस पर हम भी लगे हैं घर पे बनाई हुई। तो दोस्तों की फिटिंग ऐसी है, इनकी फिटिंग सही है। दोस्तों ये मेरे पास है, बता देता हूँ तीनों कलर मिल जाते हैं, तीनों को इनको खोल लेते हैं अपन, ये तो छिल जाएंगे। और दोस्तों इसको भी छिल लेंगे, और दोस्तों इसको भी छिल लेंगे। और दोस्तों इसको भी छिल लेंगे। तो दोस्तों हम साथ में ये पलक लेके आए, ये पलक है, ये साथ में लेके आए, ये साथ कंपनी से नहीं आया, मार्केट से खरीद के लेके आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये इसमें लगा देना है अपन को, ये हमने साथ नहीं लेकर आया, इसके साथ कुछ भी नहीं आया, ये मार्केट से खरीदा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों ये पिलक है, हमने ये मार्केट से लिया हुआ है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले इसमें वायर लगा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हरा कलर आपको ऊपर लगा देना है यहाँ। हरा कलर यहाँ लगा देना है। तो दोस्तों काला वायर है वो आप कोई सा भी लगा सकते हो, इसमें कोई माइनस प्लस का फर्क नहीं पड़ेगा, ये काला वाला वायर आप किसी में भी लगा सकते हो। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा इस तरीके से आपको इसमें लगा देना है, मेरे पास में एक वायर बचा है, दोस्तों मैं इसको इसमें लगा देता हूँ। दोस्तों आपको इस तरीके से देख लेना है, इसमें एक कलर है ये माइनस और प्लस, तो दोस्तों इसमें लग जाएगा। अर्थ वाला तार है जो अपना आसमानी कलर है ऊपर लग जाएगा, ये हमेशा अर्थ में रहता है। तो दोस्तों ये फिटिंग कर देते हैं, इसको लगा देते हैं, ये काफी पिन मार्केट से खरीदी हुई पिन है, इसको यहाँ लगा देते हैं। तो दोस्तों ये इसमें लग जाएगी, इसको पेस्ट को टाइट कर देते हैं दोस्तों, ये पेस्ट है, पेस्ट टू पेस्ट है, इसको टाइट कर देते हैं। और दोस्तों ये डिमी है, बदली थी अपनी मैं इसका। तो दोस्तों ये इस पर लगा देना आपको, आपकी ये प्लेटी के लिए अपने पास करंट वगैरह ना आए, कोई हाथ नहीं लगाए। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, जिसका इंस्टॉलेशन ये कंप्लीट हो गया है, इस तरीके से इंस्टॉलेशन होता है। तो दोस्तों मैं इसको ये लगा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये इसमें लगेगा, इस तरीके से लग जाएगा। तो दोस्तों इसको लगा के शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये मेरा जो हमने इन्वर्टर लिया था, स्टेबलाइजर जो अपना लाइट का है, कम बेसी होती है तो इससे बिल्कुल लाइट समता रहती है। तो दोस्तों ये चल गया है और इसमें लाइट आ गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें लाल बत्ती झुक गई है, लाल बत्ती का आने से ये इसमें चालू हो गया है। और दोस्तों एसी भी शुरू हो गई है। तो दोस्तों इस तरीके से इंस्टॉलेशन किया है मैंने। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट करें। इसके बारे में कोई जानकारी और चाहिए तो मेरे को बताइए। धन्यवाद।